स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जो ओवेरियन सिस्ट होती है, आप में से जिसको भी ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसमें आपको उसको पहचानने के भी लक्षण बताए हैं और इसके अलावा उसको आप घर पे कैसे ठीक कर सकती हैं, नेचुरल तरीके से कैसे ठीक कर सकती हैं। क्योंकि यूट्यूब सहेली पे मैं नेचुरल तरीके बताती हूँ जल्दी कंसीव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप YouTube सहेली को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, क्योंकि मैं रोज एक वीडियो अपलोड करती हूं जिससे कि आपको कंसीव करने में, जल्दी कंसीव करने में मदद मिलती है। ऐसी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिससे बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी सहेलियां कंसीव कर रही हैं और आप भी उनमें से एक हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं आज की बात कि अगर हमको समय से अंडा नहीं फूट रहा है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, एग रिलीज नहीं हो रहा है, तो ओवेरियन सिस्ट अगर बन जा रही है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। तो अगर इन लक्षणों को आप समझ लेंगी तो आपको अपनी फर्टिलिटी का स्टेटस जानने में मदद मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप्स ले सकती हैं। ओके, तो लक्षणों को समझते हैं। सबसे पहला लक्षण है इरेगुलर और पेनफुल पीरियड। आपको पीरियड भी इरेगुलर होगा, क्योंकि अगर एग रिलीज नहीं हो रहा है, अंडा फूट नहीं रहा है, तो आपके हार्मोन्स ठीक नहीं है, तो आपके पीरियड इरेगुलर हो ही जाएंगे। इसके अलावा पीरियड जब भी आएगा वो बहुत ही पेनफुल हो सकता है। ओके, इसके अलावा एक और बहुत खास लक्षण है कि इंटरकोर्स के दौरान आपको पेन हो सकता है। ये एक मेरी व्यूअर का क्वेश्चन भी था कि मैम मुझे इंटरकोर्स के दौरान पेन होता है, तो हो सकता है कि आपको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए आप बने रहिएगा, रेमेडीज को जरूर देखिएगा, समझिएगा। इसके अलावा अगला लक्षण ये है कि आपको यूरिनरी इश्यू हो सकता है, बाउल इश्यू हो सकता है, स्टूल पास करने में किसी तरह की समस्या हो सकती है, पेट में फुलाव आ सकता है, आपको कमर में दर्द रह सकता है। आपको कमर दर्द इसका बहुत ज्यादा तौर पे देखा जाने वाला लक्षण है। कई लक्षणों के साथ ये बहुत सामान्य तौर पे पाया जाता है कि बैक में पेन होता है, चुभने जैसा पेन होगा और कभी रुक भी जाएगा, फिर तेज हो जाएगा, तो बैक प्रमुखता से इसमें देखा जाता है महिलाओं में। इसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा रहेगी, हार्मोन अपसेट रहेंगे आपके, तो जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस के लक्षण होते हैं वो सब भी इसके अंदर आपको दिखेंगे। अगर आपको ओवेरियन सिस्ट है तो, अगर आपका अंडा नहीं फूट रहा है और डिपॉजिट होता जा रहा है तो, हालांकि वो फैलोपियन ट्यूब में भी आके रुक सकता है, फैलोपियन ट्यूब में भी सिस्ट हो सकती है और ओवरी के अंदर भी सिस्ट हो सकती है। तो जनरली सिस्ट 2 से 3 महीने में खुद ही डिसॉल्व हो जाती है बॉडी में, महिला के शरीर में, क्योंकि बॉडी एक कभी हार्मोन्स अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं, तो इस दौरान वो खुद से डिसॉल्व हो जाती है 2 से 3 महीने में। बहुत घबराने की बात नहीं होती है, जनरली कभी डॉक्टर सर्जरी भी बता देते हैं। तो देखिए, कब ऐसा होता है कि सपोज सिस्ट आपकी ओवरी में बड़ी हो गई है, ओके, और बड़ी होने की वजह से ओवरी के अंदर जो सर्कुलेशन होना चाहिए, खून का जो दौरा है, वो हो नहीं पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर सर्जरी तक की भी सलाह देते हैं। लेकिन यहां YouTube सहेली पे मैं आपको नेचुरल होम रेमेडीज बताती हूँ जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं, उनसे आप इन चीजों को ठीक कर सकती हैं। तो अब हम बात करेंगे रेमेडीज की कि हम इनको ठीक कैसे करेंगे। ओवेरियन सिस्ट है अगर आपको और ये लक्षण दिख रहे हैं आपको और पीरियड नहीं आ रहा, कंसीव नहीं कर पा रही हैं आप बहुत समय से, तो अब आप उसको ठीक कैसे करिएगा, आइए बात करते हैं। फ्रेंड्स, इस कंडीशन में आपकी ओवरी को स्टिमुलेट करना है, तो फ्रेंड्स इसका सबसे खास जो तरीका है ठीक करने का, हीटिंग, ओवरीज को स्टिमुलेट करने का है, वो हम हीटिंग पैड से कर सकते हैं। मैंने एक बहुत ही अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, मैंने उस वीडियो में बनाया है, फर्टिलिटी मसाज विद कैस्टर ऑयल पैक। उसमें मैंने कैस्टर ऑयल से फर्टिलिटी मसाज बताई है, पूरे डेमोन्स्ट्रेट करके बताया है और किस तरह से हम हीट कर सकते हैं उसको, तो आप पूरा वीडियो देखिए तो आपको इसका एक उपाय उसमें आपको मिल जाएगा कि आपको कैसे करना है फर्टिलिटी मसाज कैस्टर ऑयल के साथ में। ये इसको इसी तरीके से आपको करना है जिससे कि आपके लोअर बॉडी में, एब्डोमेन में सर्कुलेशन बढ़ेगा और ओवेरीज जो है ना, कहें कि सोई हुई शक्ति जो है प्रजनन की, वो जागृत हो सकती है आपकी हीटिंग करने से, लोअर एब्डोमेन में फर्टिलिटी मसाज और सिकाई से। दूसरी बात ये है कि हमको इलाज, हमको जो रेमेडी करनी है बाहर से भी करनी है और अंदर से भी करनी है। अंदर से इस तरह से करनी कि हमको वो चीजें लेनी है फूड में, ईटिंग में हमको हैबिट में लेनी है जिससे कि अंदर से इफेक्ट हो, मसाज से तो बाहर से इफेक्ट होगा। अंदर से इफेक्ट के लिए हमको दालचीनी, अदरक और अजवाइन को हमको टी लेना है। आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो आप इसको 3 से 4 बार भी ले सकती हैं,
ठीक है। और अगर नॉर्मल है तो आप दो बार जरूर लें, मॉर्निंग में और इवनिंग में आप जरूर लें। आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ भी ले सकते हो, और शाम की चाय जो आप लेते हैं मिल्क एडेड टी, आपको बिल्कुल बंद कर देनी है। कॉफी बिल्कुल बंद कर देनी है आपको। अदरक, दालचीनी, दालचीनी का कंजम्पशन एक दिन में आधा चम्मच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आप आधा चम्मच दालचीनी को यूज कर सकते हैं, और उतनी ही मात्रा में अदरक और दो चुटकी, एक चुटकी अजवाइन को आप पानी में बॉईल करें। जितनी टी आपको पीनी है उतना लें, और उसमें हनी ऐड करें। फिल्टर करने के बाद हनी ऐड करके आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं जो अंदर से हील करेगी आपकी बॉडी को। ओके, इसके अलावा आपको अपने फूड में जो अलसी होता है, रोस्टेड अलसी सुपरमार्केट में मिल जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों की सुविधा के लिए मैं लिंक भी देती हूँ प्रोडक्ट्स का। अभी फिलहाल लॉकडाउन की वजह से शायद अवेलेबल ना हो, लेकिन आप बाकी टाइम आप परचेज कर सकते हैं उसको। तो रोस्टेड फ्लैक्स सीड को आप पाउडर करके रख लें और आपने फूड में ऐड करें। सपोज आप रोटी बना रहे हैं अपने लंच के लिए, तो आप जो आटा ले रहे हैं उसमें उस फ्लैक्स सीड के पाउडर को ऐड कर दीजिए। आप कोई फ्रूट सलाद बना रहे हैं, कोई बॉइल्ड चने का कुछ फूड बना रहे हैं, सलाद बना रहे हैं, आप उसमें छिड़क दीजिए, स्प्रिंकल कर दीजिए आधा चम्मच, एक चम्मच, जितना आपको खाना है। तो फ्लैक्स सीड, अलसी को आपको खाने में ऐड करना ही है, अखरोट भी खाना है आपको। साथ ही अगली बात कि बादाम, जो बादाम होते हैं, आलमंड्स होते हैं, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है। तो वो इस कंडीशन में आपकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी है, हार्मोन्स ठीक से जो नहीं बन रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए मैग्नीशियम देता है। तो आप रात को बादाम भिगो दें, आप सुबह उसको आप सूखा भी खा सकते हैं, लेकिन भिगो के खाने पे हर समय हर मौसम में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, चाहे वो सर्दी का मौसम हो चाहे वो गर्मी का मौसम हो। तो आप बादाम को अपने खाने में कभी भी शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझसे ये ना पूछें कब खाना है, कभी भी खाइए, पर अच्छे से उसको अपनी डाइट में रूटीन में शामिल कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन खाया, दो दिन खाया, एक हफ्ता का फिर छोड़ दिया, नहीं, आपको दो तीन महीने रेगुलर खाना है। ओके, इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन ई और फॉलिक एसिड का आपको सप्लीमेंट लेना है। ओके, क्योंकि इन विटामिन की इस परिस्थिति में आपके शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब आती है एक और विशेष बात की एप्पल सिडर विनेगर। ओके, एप्पल सिडर विनेगर जो होता है पोटेशियम रिच होता है, और सुबह उठते ही खाली पेट आपको मैंने बताया है कि गुनगुना एक ग्लास पानी में आप एक या दो चम्मच एप्पल सिडर विनेगर ऐड करके पी सकते हैं। इसको, इसके बारे में सब कुछ मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है एप्पल सिडर विनेगर के ऊपर, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। फ्रेंड्स, ओवेरियन सिस्ट के लक्षण होने पे उसके समाधान के तौर पे माका रूट को भी हम अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। आप इसको कॉफी में भी ऐड कर सकते हैं, आप इसको किसी स्मूदी में भी ऐड कर सकते हैं, आप गर्म पानी से ले सकते हैं, आप दूध में ले सकते हैं। इसको मैंने पहले भी बताया है, अपने वीडियो में रिकमेंड किया है आप लोगों को कि आप ये लिए फर्टिलिटी इश्यू के लिए, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी रिकमेंड किया है। लेकिन ओवेरियन सिस्ट अगर महिला को है तो उनको माका रूट भी बेनिफिट पहुंचाएगा काफी हद तक, तो आप इसे भी ले सकते हैं। तो ये होम रेमेडीज थी, आप इनको जरूर करें अगर आपको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है तो। बहुत आसानी से, बहुत सरलता से 2 से 3 महीने के अंदर वो डिसॉल्व हो जाएगी और बहुत जल्दी आपकी बॉडी कंसीव करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इन उपायों से आपको क्या लाभ हुआ वो भी मुझे बताएं। जल्दी ही मिलूंगी एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिएगा यूट्यूब सहेली के साथ। टेक केयर।